नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दो दिन के दौरे पर पहुंचे थे अमेरिका के रक्षा मंत्री और उनकी हमारे रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात हुई। तमाम तरह की चर्चाएं हैं रक्षा सुरक्षा को लेकर के, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो चिंता का विषय बनी रही हैं पिछले कुछ वर्षों और दशकों में। अब जाकर के ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका, जो उसकी उच्च स्तरीय तकनीक है रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई, वो भारत को देने के लिए तैयार है। और आप जानते हैं कि 21 से 24 जून के 3 दिन की जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, न केवल भारत की बल्कि हमारे पड़ोसियों की भी और पूरी दुनिया की। जो गर्मजोशी हिरोशिमा में हमने और आपने देखी थी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा इस अमेरिकी यात्रा से। आप जानते हैं कि ये आधिकारिक उनकी यात्रा है, पहली आधिकारिक यात्रा है। 5-6 यात्राएं वो ऑलरेडी कर चुके हैं अमेरिका की, लेकिन वो जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम होते हैं उनके सिलसिले में उनकी मुलाकातें थी, लेकिन ये पहली राजकीय यात्रा है जिसमें उनको पूरा सम्मान भी दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में डिनर भी दिया जाएगा, जिसमें अमेरिका की क्रीम इस समय उपलब्ध होगी जब डिनर होगा। और हिरोशिमा का तो वो वक्तव्य आपको याद होगा ही, जो बाइडन का, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि आप अमेरिका में कितने लोकप्रिय हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है, आपके डिनर में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग सिफारिशें लड़ा रहे हैं, और कई बार तो लगता है कि आपका ऑटोग्राफ मुझे भी लेना चाहिए। वो मजाक की बात थी, लेकिन वो चर्चा का विषय बन गई। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बन गई कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को कितना सम्मान दे रहा है और कितना महत्व दे रहा है। तो प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री का नई दिल्ली पहुंचना, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भेंट करना, ये कितना अहम है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है इस पर भी चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी क्यों गए थे अमेरिका और वहाँ जाकर के वो रायता क्यों फैलाना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी मंशा क्या थी, उनका मकसद क्या था अमेरिका की यात्रा का। तो मेरे साथ आपके जाने पहचाने रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत ही माहिर जानकार, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, युद्ध में सेवा मेडल से अलंकृत और अमेरिका में काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग लेकर के लौटे कुछ ही अधिकारियों में शुमार, मेजर जनरल AK शिवाज सर जुड़ रहे हैं। शिवाज सर, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार चौल साहब। शिवाज सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री की जो ये नई दिल्ली की यात्रा रही है, ये कितनी अहम है, और लॉयड ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच में और ऑस्टिन और NSA के बीच में क्या बातचीत हुई है, और कौन से ऐसे इशू हैं जिन पर दोनों देश अब आगे बढ़ना चाहते हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका तो उसके मद्देनज़र भी अमेरिकी रक्षा मंत्री की नई दिल्ली यात्रा बहुत अहम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। देखो चोल साहब, ये जो ऑस्टिन लॉयड आए हैं डिफेंस सेक्रेटरी US के भारत के दौरे पे, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भी सच्चाई है कि भारत और जो अमेरिका के रिलेशन हैं वो अप स्विंग में, और ये करीब करीब 10 से 15 साल से अगर आप देखें, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद भारत और US के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है वो काबिले तारीफ। अगर आप देखें कि एक बहुत तीन इम्पोर्टेंट हमने
जो बेसिक ट्रीटी भी साइन की है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने 2016 में लीमियो साइन किया, जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसका मतलब कि जो हमारी फैसिलिटीज हैं, लॉजिस्टिक फैसिलिटी, रिपेयर फैसिलिटी, उसका हम एक दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मालूम है यूएस की जो बेसिस हैं वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा है। दूसरा हमने 2018 के अंदर फिर साइन किया कोमकासा, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट। उसका बेसिक एम ये था कि जो क्रिटिकल आपकी टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। जो सच्चाई है कि अमेरिका भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं देता था, इसी नेटो के अलावा उसने ज़्यादा देशों को नहीं दी थी, और भारत बिल्कुल शामिल नहीं था उसमें। जब से कोमकासा साइन करने के बाद वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दे पाएगा भारत को, ये एक बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी दोनों देशों के बीच में। दोनों देश के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि हथियार जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करेंगे। और फिर तीसरा जो किया 2020 के अंदर बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन ऑफ एग्रीमेंट, इसका मतलब जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है वो एक दूसरे को पास कर पाए। अगर आप देखें कि जो बेका का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, अब रूस यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन को जो इंटेलिजेंस दी जा रही है, एक प्रकार से बहुत पुख्ता इंटेलिजेंस, उसके कारण रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन को इंटेलिजेंस पुख्ता मिलती है और टारगेट को बर्बाद करने के लिए बड़ा आसान। तो कहने का मतलब ये जो तीन हमने बेसिक एग्रीमेंट साइन की हैं, उसके बाद भारत और अमेरिका बहुत नज़दीक आ गए हैं। और अगर आप देखें कि जैसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई, कि पहले हथियार भी जो अमेरिका था वो लेटेस्ट वेपन नहीं देता था, और टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर करने का मतलब ही नहीं था, मगर अभी इन एग्रीमेंट के बाद हमारे को M777 दिया, अल्ट्रा लाइट हाउजर जो कि एक बहुत ही काबिल गन है, उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके महिंद्रा डिफेंस ने इंडिया में बनाया। तो ये सच्चाई है, C-70 ग्लो मास्टर, C-130J हरकुलिस जो स्टेट ऑफ आर्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो दिए, अपाचे अटैक हैप्टर दिया, तो एक के बाद एक हथियार भारत को दिए जा रहे हैं। और अब जो बातचीत है कि जिस प्रकार से ऑस्टिन लॉयड आए हैं, उनका मेन मकसद ये है कि जब प्रधानमंत्री वहाँ विजिट करते हैं 22 जून को, उस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी कि जेट जो है फाइटर जेट का जो जेट इंजन है उसके बारे में आपस में तालमेल करना, और जॉइंट प्रोडक्शन की बात होना, जो कि जनरल इलेक्ट्रिकल है अमेरिका का और भारत का HAL, आपस में उनके प्रकार से एक पैक्ट साइन होना, और जिससे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होके वो भारत के अंदर इंजन बनेंगे जेट के, और जो हम तेजस मार्क 1, 1 अल्फा और 2 में लगाएंगे। तो ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि देखो सच्चाई ये है चौधरी साहब कि भारत आज की तारीख में अच्छे से अच्छे हथियार बना पा रहा है मेक इन इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत में, मगर अभी भी भारत जो है, जो बात आती इंजन की, उसके अंदर अभी भी काफ़ी पीछे है, चाहे वो एयरक्राफ्ट का इंजन हो, चाहे वो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप का इंजन हो, शिप का। तो ऐसे में क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर अब जो अमेरिका आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर करेगा और भारत के अंदर ही जेट इंजन बनेंगे, ये बड़े काबिले तारीफ है। दूसरा जो एक है MQ जो 9 ड्रोन्स हैं, वो भी बहुत ही मॉडर्न ड्रोन्स हैं, वो 30 के करीब भारत लेना चाहता है, और वो $3 बिलियन की एक प्रकार से आपस में पैक्ट होगा, उसके बारे में भी बात हुई। तो ये क्लाइव जो ऑस्टिन लॉयड थे, उनका मेन मकसद था एक रोड मैप बनाना, इससे पहले प्रधानमंत्री आए, इन जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत करके और एक प्रकार रोड मैप बना के जाना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरा एक बड़ा बातचीत चली, जब आप आगे क्वेश्चन पूछेंगे फिर हम उसके बारे में बताएंगे। तो ऐसा जी सर, माइक म्यूट था। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है इस मुलाकात के बाद, उसमें ये कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने
दिल्ली में वार्ता की और मजबूत रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने नई तकनीकों के सह विकास और सह उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित करने की बातचीत की। यानी ये बेहद महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि सहयोग भी और विकास भी। इसका मतलब ये है कि जो भारत की रक्षा जरूरतें हैं, कल पुर्जों से लेकर के जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो हेलीकॉप्टर हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, उनके विकास और सह उत्पादन की बात हो रही है, यानी मिलकर के उनको यहाँ बनाने की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, दो बातें होंगी, एक तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी कि जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम है, और दूसरा होगा जॉइंट प्रोडक्शन, वो भारत के अंदर ही उसका प्रोडक्शन होगा, मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये गेम चेंजर है, और जब ये तीन एग्रीमेंट होने के बाद ये बहुत आसान हो गया है ये होना। और यही नहीं, देखो दूसरी एक बड़ी बात जो चली है आपस में कि कहीं ना कहीं नेटो प्लस की भी बात चली थी। नेटो प्लस ये है कि जो नेटो कंट्री उसके साथ 5 है अभी, प्लस 5, वो बेसिकली है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और इसराइल। और उसके अंदर अभी सोचा जा रहा है कि नेटो प्लस के अंदर भारत को अंदर भी मिलाया जाए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है, और जो कि साउथ एशिया में अगर कोई चीन का मुकाबला कर सकता तो भारत है। पर मुझे लगता नहीं कि भारत नेटो प्लस जैसी कोई भी मिलिट्री अलायंस में आना चाहेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि वो एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी और ऑटोनमी का मुजाहरा करता है, क्योंकि उससे उसका जो स्टैंड बड़ा क्लियर होता है। मगर ये सच्चाई है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पक्का होगी भारत और अमेरिका की, और उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा आ रहा है। इसमें कोई जब बात आती क्वाड की, इसमें कोई शक नहीं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका चारों इकट्ठे खड़े हुए हैं, उसके बारे में भी बातचीत हुई, क्योंकि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की जब बात होती है तो क्वाड का नाम आता है। और यही नहीं, उसमें जो तीन टेनेंट्स हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन, तो ये एक क्वाड के बारे में भी बात इसलिए आई कि कहीं ना कहीं जो चीन की दादागिरी है, जो चीन एक एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, वो क्वाड इंडो पैसिफिक में बात आती है। और भारत के ऊपर यही है कि जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच के अंदर तनाव है, स्पेशली लाइन ऑफ फ्रैक्चर कंट्रोल पे ईस्टर्न लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, तो ये बातचीत भी एक बार उभर के आई। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कशन हो रही है और जो उसका मायने है कि देखो, भारत का जो डिपेंडेंसी थी रूस के हथियारों पे करीब करीब 60-70 थी, अब वो धीरे धीरे घट रही है। उसके दो रीजन है, एक तो भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बना, ज्यादा वेपन खुद बनाएगा, दो हमने डिफेंस कॉरिडोर बना दिए हैं, एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में यूपी में और साउथ में एक प्रकार बेंगलोर पे। और दूसरा, भारत जो है अब काफी कुछ हथियार अमेरिका से भी ले रहा है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की तरह, और अमेरिका चाहता है कि वो रूस से कम हथियार ले, और मुझे लगता है कि वो वैसे ही होगा, क्योंकि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यूरोप में है और अमेरिका में, तो ये जिस प्रकार से लेटेस्ट वेपन है, MKU-9 है या आपका जेट इंजन है, या आपके पास अब बात चल रही है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है, जो जॉइंट प्रोडक्शन भारत करना चाहता है, उसके बारे में भी बातचीत आपस में चली हुई है। वो अभी हो सकता है इस मीटिंग के अंदर उसकी बात ना हो, पर वो आने वाले टाइम में उसकी भी बातचीत होगी। चौधरी साहब, शिवाज साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब ये रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, तब यूरोपियन कंट्रीज से भी और अमेरिका से भी तमाम तरह के प्रेशर आए थे कि हम लोग रूस से थोड़ा दूरी बनाएं, उससे कच्चा ईंधन ना खरीदें, तमाम तरह की बातें हुई थी, भारत उस दबाव में आया नहीं। तब अमेरिका के कुछ जो जानकार लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, उन्होंने बयान दिए थे कि चूंकि भारत की बहुत बड़ी निर्भरता हथियारों के मामले में कई दशकों से रूस के ऊपर है, इसलिए आप भारत को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो एक दिन में रूस से अपने संबंध खराब करे या ख़राब करे। क्या
अब अमेरिका ने दूसरा तरीका निकाला है कि भारत को आप टेक्नोलॉजी भी दो, भारत को आप जो उसकी रक्षा सुरक्षा ज़रूरतें हैं उनके उनकी पूर्ति के लिए चाहे भारत में ही उत्पादन में सहयोग करना हो वो करिए, ताकि भारत की रूस पर निर्भरता कम से कम होती चली जाए आगे जा कर के। हाँ बिल्कुल, ये तो सच्चाई है कि देखो अगर भारत को जो प्रेशर डाला गया तो भारत ने, आपने बिल्कुल ठीक बोला, दो बातें बोली कि भारत की निर्भरता कम से कम 60-70% रूस के हथियारों पे है और रूस के हथियारों को भारत एकदम बंद नहीं कर सकता, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेंटेनेंस की जो है सामान, क्योंकि हमारा पुराना सामान सारा स्पेशली टैंक्स और हमारे एयरक्राफ्ट रूस के हैं, और हमारी जो सिचुएशन चीन के साथ चली हुई है कभी भी लड़ाई हो सकती है, अगर हम ऐसा हुआ तो हमारा लड़ाई कैसे कर पाएंगे। तो ये बात यूरोप को और अमेरिका को समझ आई, और ये भी साफ सुथरे शब्दों में भारत ने बताया कि जब भारत टेक्नोलॉजी मांग रहा था आपसे, आपसे वेपन मांग रहा था आज से 15-20 साल पहले, आपने हथियार भारत को नहीं दिए, और बल्कि भारत की बजाय भारत के दुश्मन देश को आपने पाकिस्तान को दिए। तो ये अमेरिका भी जानता है और अमेरिका इसके ऊपर बैकफुट पे, इसमें कोई शक नहीं, मगर अब वो चाहता है कि धीरे धीरे भारत की डिपेंडेंसी वो रूस पे खत्म हो, और उसकी वजह ये नहीं कि भारत अमेरिका के कहने पे ये करेगा, क्योंकि भारत खुद आत्मनिर्भर हो मेक इन इंडिया, और दूसरा अगर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है अमेरिका की तो वाकई वो टेक्नोलॉजी बेटर है स्पेशली रशिया से, तो वो भारत लेना चाहेगा। मगर अमेरिका का एक बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका जानता है कि अगर आज अमेरिका का फोकस जो है मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया से जाके इंडो पैसिफिक की तरफ चला गया, और इसका इस्तेमाल चीन कर रहा है, जिस प्रकार से चीन ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बाद में भी पीस डील कराई, तो आज वो फोकस जो जा रहा है इंडो पैसिफिक में जा रहा है, और उसको भारत की बहुत मदद चाहिए अमेरिका को क्वाड में भी, और वो जानता है कि अगर कोई चीन के साथ आप आंखों में आंखें डाल के देख सकता है और उसको मुकाबला कर सकता है वो भारत है, इसलिए अमेरिका भारत को चाहता है कि भारत एक ज्यादा स्ट्रांग बने, भारत एक मुकाबला कर पाए चीन का, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो है आने वाले समय में वो चीन होगा ना कि रूस। तो ये भी एक सच्चाई है। एक पॉइंट आपने जो बोला था कि क्या भारत ने ऑयल लिया, तो ये एक तो यही बोला कि भारत का डिपेंडेंसी कम नहीं हो सकती इतनी जल्दी रूस से। दूसरा एक जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो काटसा है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, वो जब ईरान के ऊपर जेसीपीओ थी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसको न्यूक्लियर डील कहते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में न्यूक्लियर डील से निकल गया था अमेरिका, तो उसने सैंक्शन लगाए थे ईरान पे, और उस सैंक्शन लगाने के बाद भारत ने जो ऑयल लेता था वो जीरो करना पड़ा, कम से कम 18-20% लेता था, क्योंकि उस समय उसने काटसा का डर था, चाबार पोर्ट पे ही उसने हमको माफ किया। मगर ये जब बात आती है रूस के ऑयल की, तो अमेरिका ने काटसा नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 40% गैस और 33% ऑयल रूस का अभी तक यूरोप में जा रहा था, तो वो ऐसा तो कर नहीं सकता भारत और चीन के ऊपर काटसा लगाए और अमेरिका और जो यूरोप कंट्री हैं वो चीन से वो रूस से ऑयल और गैस लेते हैं। इसका भी फायदा भारत ने उठाया, और सच्चाई है भारत ने एक चीज बहुत अच्छी शब्दों में बोली कि भारत वो करेगा जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है, और भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है कि आज रूस के पास हमें डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल मिल रहा है वो भी रूपी रूबल में, तो हम क्यों नहीं लेंगे। और मुझे लगता है अमेरिका को ये बात समझ आई, प्रेशर डालने की कोशिश की, मगर उनको लगा कि प्रेशर भारत के ऊपर नहीं चलेगा, इसलिए फिर उन्होंने प्रेशर नहीं डाला। यही नहीं, भारत ने वहां से जहां 2% ऑयल लेता था रूस से वो करीब करीब 32% किया। यही नहीं, क्रूड ऑयल लेके उसको रिफाइन करके जो हमारी बहुत अच्छी रिफाइनरीज है भारत में, उनके बाद उसको यूरोप भी बेचा भारत ने। तो सच्चाई है भारत के लिए ये लड़ाई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी थी किसी हद से, क्योंकि जो ऑयल हमको डिस्काउंटेड रेट में रूस से मिला और उसको हमने रिफाइन करके यूरोप में भी दे पाए। तो ये एक सच्चाई है, अमेरिका को ये समझ आई है कि ये अमेरिका के प्रेशर में भी नहीं आएगा भारत,
भारत एक बदला हुआ भारत है, भारत एक नेशनल इंटरेस्ट देखेगा, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर। तो इसलिए जो पहले एक दबाव डालने की कोशिश की गई थी वो दबाव नहीं काम दिया, और फिर मुझे लगता नहीं अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने दबाव डालने की कोशिश की। चौधरी साहब, आखिर में एक टिप्पणी इस पर भी चाहूँगा, जब प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा शुरू होने वाली हो उससे ठीक पहले राहुल गांधी का कैलिफोर्निया का, वॉशिंगटन का, न्यूयॉर्क का, दूसरी जगहों का दौरा करना और वहाँ जाकर के भारत के बारे में या प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी सरकार के बारे में तरह तरह के नकारात्मक बयान देना, ये कितना उचित या अनुचित है शिवाज साहब? बिल्कुल चौधरी साहब, बहुत ही अनुचित है। आज तक ओपोजिशन लीडर, अभी आज से 5 साल से पीछे ले जाओ, कभी भी जब भारत से जाते थे फॉरेन कंट्री में तो कभी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसकी बात नहीं करते थे, और देश के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते थे, ना कि वो ओपोजिशन के मेंबर बन के, और वो देश के बारे में अच्छी बातें करते थे। जो हमारे बीच के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कोई मुटाव है, पॉलिटिकल डिफरेंस है, वो होने चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, मगर वो देश तक ही सीमित होना चाहिए। जब आप जा रहे हैं दूसरे देश के अंदर जहां पर आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर भारत की छवि को कमजोर कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री को थोड़ी कर रहे हो कमजोर, आप तो देश की छवि पे उंगली उठा रहे हो, और ये आप हास्य के पात्र बन गए हो। मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से ओछी बात बोल के देश के बारे में बोलना, वो शर्म आती है कि आप जिस प्रकार से देश के ऊपर उंगली उठा रहे हैं उससे नुकसान मोदी को नहीं होगा या बीजेपी को नहीं होगा, वो देश को नुकसान होगा। और ये समझना चाहिए ओपोजिशन जो है वो अपने डोमेस्टिक अपने देश के अंदर करें, मगर जब भारत से बाहर जाते हो तो एक ही आवाज आनी चाहिए। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी को एज अ ओपोजिशन लीडर यूनाइटेड नेशन में भेजा गया था, क्योंकि भाई रिप्रेजेंट करेंगे भारत को, उन्होंने भारत के लिए कितना कुछ किया। और भी जब भी ओपोजिशन लीडर गए हैं मेजोरिटी, कभी भी भारत के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं बोला जो कि भारत की छवि पे एक प्रकार से उंगली उठाए। तो मुझे लगता बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, मैं यही कहूंगा कि जो पॉलिटिकल बिल्कुल इमेच्योरिटी है देश के ऊपर उंगली उठाना, और देश को एक प्रकार से ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हों तो वो आप देश के लिए एक प्रकार नुकसान कर रहे हैं, और स्पेशली जो आपके दुश्मन देश हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और वो देश को कमजोर होते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं करना चाहिए था, इसको मैं बोलूंगा जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। चौधरी साहब, आज से ठीक 2 सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा शुरू होगी, और पूरी दुनिया की और हमारे पड़ोसियों की, खासतौर से पाकिस्तान और चीन की तो जरूर नज़र रहेगी कि वहाँ जो बाइडन और नरेंद्र मोदी के बीच में कौन कौन से समझौते सिरे चढ़ते हैं। शिवाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।